Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इनफाइनाइट लिमिट डेफिनेशंस को डिस्कशन करेंगे कि इनफाइनाइट लिमिट डेफिनेशन क्या होती हैं, मतलब उनकी कंडीशन क्या होती है। इनफाइनाइट लिमिट डेफिनेशन मतलब जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया जाए एफ ऑफ एक्स और आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन को शो कीजिए कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट एल होगी या फिर एक्स टेंड्स टू ए पर इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी होगी। मतलब या तो एफ एक्स जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकता है, कोई एक रियल नंबर भी हो सकता है, या फिर इस टाइप की ये डेफिनेशन होंगी, मतलब इस टाइप के एग्जाम्पल होंगे कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जो एफ एक्स है वो एक पर्टिकुलर रियल नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसी टाइप की जो डेफिनेशन होती है तो उनमें क्या क्या कंडीशन होती है किसी भी एग्जाम्पल को शो करने के लिए कि इस फंक्शन की लिमिट यही होगी। तो इसी टाइप की कंडीशन को हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट डेफिनेशन। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनफाइनाइट लिमिट डेफिनेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन ये है हमारे पास, अ फंक्शन f इज सेट टू टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर केस सच दैट मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन k। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, जो x की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने पर जो f की वैल्यू होगी वो l की तरफ तभी अप्रोच करेगी, मतलब l की तरफ तभी टेंड करेगी जब फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k। हम लोगों को एक पॉजिटिव नंबर k इस टाइप से मिलना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन के। अगर किसी भी फंक्शन के लिए एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो एल लिमिट मिल रही है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो फिर हम लोग वहाँ पर ये बोल देंगे कि इस फंक्शन की जो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट होगी वो क्या होगी, एल होगी। ठीक है, और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तब एफ एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, l पर। और इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एफ एक्स टेंड्स टू एल एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो चाहे आप इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए या फिर आप इसे इस तरीके से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स इज ग्रेटर देन के। तो जो भी हम लोग डेफिनेशन डिस्कशन करेंगे ना, आप उन सभी डेफिनेशन की इन कंडीशन को ध्यान रखिए क्योंकि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही कंडीशन है। ये अगर किसी भी फंक्शन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम लोग बोल पाएंगे कि इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी होगी या फिर कोई एक पर्टिकुलर रियल नंबर होगा एक्स टेंड्स टू जहां भी टेंड्स कर रहा होगा। ठीक है, तो आप इन कंडीशन को अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंड्स टू एल, यहाँ पर भी एफ एल पर टेंड तभी करेगा जब एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, इफ़ गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स इज लेस देन माइनस के। यहाँ पर कहाँ x टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर। अगर x माइनस इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है तो जो एफ एक्स फंक्शन है ना, एफ फंक्शन है वो l पर तभी टेंड करेगा जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के। पॉजिटिव नंबर के हम लोगों को मिलना चाहिए किस तरीके से, मॉड ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स इज लेस देन माइनस के। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन के था, चेंजेस क्या है इन दोनों डेफिनेशन में, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है। और क्या चेंजेस है, यहाँ पर x कंडीशन में ये चेंजेस है कि यहाँ पर x इज ग्रेटर देन के है और यहाँ पर x इज लेस देन माइनस के है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अगर x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो एफ एक्स की लिमिट l तभी होगी जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स इज लेस देन माइनस के। तो इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे ना, इन डेफिनेशन से रिलेटेड, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग केवल डेफिनेशन को समझ लेते हैं, जितनी भी इनफाइनाइट लिमिट डेफिनेशन होंगी तो पहले सभी डेफिनेशन, देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल। तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आप कन्फ्यूजन नहीं होगे कि लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन इसी टाइप की पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, तो ये कन्फ्यूजन रहेगा अगर हम कुछ डेफिनेशन इस लेक्चर में डिस्कशन करें, कुछ डेफिनेशन आगे के लेक्चर्स में, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले हम लोग सारी डेफिनेशन, देन इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये डेफिनेशन कंसिडर कर रहे थे, मतलब ये डेफिनेशन को डिस्कशन कर रहे थे। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल और एफ एक्स टेंस टू एल एच एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्ड डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ इन्फिनिटी पर टेंस कर रहा है, एच एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, एच एक्स टेंस टू ए। इफ गिवन के इज ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर लार्ज, के कितना भी लार्ज हो सकता है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा, एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। किस तरीके से? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन के वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इस स्टेटमेंट को, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप देख के कि एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, ए पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया लिमिट एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, यहाँ पर एफ एक्स, एफ इज सेट टू टेंस टू इन्फिनिटी। तो एफ एक्स जो टेंड कर रहा है वो यहाँ पर इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, और एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एच एक्स टेंस टू ए। ठीक है, ये तो सिंपल सी नोटेशन है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन, तो आपको जो यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी है इसमें वो ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर इन्फिनिटी था, अब यहाँ पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, एच एक्स टेंस टू ए। इफ गिवन के ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर लार्ज, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस के। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस के वेन एवर जीरो इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। कंडीशन तो दोनों में सेम है, केवल यहाँ पर चेंजेस इन दोनों डेफिनेशन में इतना है कि यहाँ पर एफ कहाँ पर टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर, और यहाँ पर एफ टेंड कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। तब कंडीशन में केवल इतना चेंजेस आया है कि यहाँ पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन के है, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इज लेस देन माइनस के। ठीक है, और हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और एफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एच एक्स टेंस टू ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंस टू इन्फिनिटी एच एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ भी इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है और एक्स भी कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, मतलब एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, इफ गिवन के इज ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर लार्ज, यहाँ पर भी के हम लोग कितना भी लार्ज ले सकते हैं। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट, यहाँ पर ये स्मॉल के है और यहाँ पर ये ग्रेटर देन के है। मैं वैसे यहाँ पर कुछ और नोटेशन यूज़ करता तो आपके लिए सिंपल रहता, लेकिन अब लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर स्मॉल के है, ध्यान रखिए, यहाँ पर स्मॉल के है और यहाँ पर ग्रेटर देन के है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन के सच दैट, किस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल के, यहाँ पर ये स्मॉल के है, एफ एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए स्मॉल के से, वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन कैपिटल के, यहाँ पर कैपिटल के है। ठीक है, तो हम लोग इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी और एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, ये है, यहाँ पर एफ भी इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहे हैं जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कंडीशन ये है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन के वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन के। तो जो भी यहाँ पर हम लोग ये कंडीशन देख रहे हैं ना, जैसे इसके लिए ये कंडीशन थी, इसके लिए ये वाली कंडीशन थी और इसके लिए ये वाली कंडीशन थी, तो आप इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखिए, यही कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि एफ एक्स एक्स टेंस टू ए पर इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी, सो कीजिए, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, कहाँ गई डेफिनेशन, एक्स टेंस टू ए पर, ये वाली, कि एक्स टेंस टू ए पर जो फंक्शन की लिमिट है वो एफ कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पर। तो अगर हमें शो करने के लिए बोला जाएगा एग्जाम्पल में, तो हम लोग को फाइनली जो कंडीशन याद रखनी चाहिए वो ये वाली रखनी चाहिए, और हम लोग को शो करना पड़ेगा कि चाहे हम के की वैल्यू कितनी भी लार्ज ले लें, एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन होगा के से। ठीक है, वेन एवर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो आपको ये जो कंडीशन है ना, ये ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करेंगे, मतलब किस तरीके से किसी भी फंक्शन को शो करेंगे जिसकी लिमिट एक्स टेंस टू पर्टिकुलर नंबर पर, जो भी हम लोगों को दिया गया है उस पर इन्फिनिटी होगी, या फिर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स की लिमिट एल होगी, जो भी होगी, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ डेफिनेशन और हैं, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर एफ कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी, एच एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। इफ गिवन के इज ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर लार्ज, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस के वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन के। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे लिए इस डेफिनेशन की जो कंडीशन है वो ये है, ठीक है। दो डेफिनेशन और है, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ गिवन के इज ग्रेटर देन जीरो हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव के। यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर कैपिटल के है, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल के है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पर ये हमने लिया है ना, ये स्मॉल के है और ये कैपिटल के है, ठीक है। तो अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ गिवन के इज स्मॉल के इज ग्रेटर देन जीरो हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल के, पॉजिटिव एंड कैपिटल के सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल के वेन एवर एक्स इज लेस देन माइनस कैपिटल के, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारी। इसको हम लोग इस तरीके से भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब यही हुआ कि एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब एफ एक्स की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पर, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन और है, लास्ट डेफिनेशन है, वो ये है अ फंक्शन एफ इज सेट टू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इफ गिवन के इज ग्रेटर देन जीरो हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कैपिटल के सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस स्मॉल के वेन एवर एक्स इज लेस देन माइनस कैपिटल के। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब एफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर एक्स भी माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रहा है और एफ एक्स भी कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पर। उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 8 टाइप की इनफाइनाइट डेफिनेशंस थी। इनमें हम लोगों ने 8 टाइप की इनफाइनाइट डेफिनेशन में क्या देखा कि या तो जो एक्स है, मतलब 8 केसेस बन सकते हैं ना कि एक्स कभी, मतलब उनमें से किसी न किसी एक में तो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर एक्स टेंस टू ए, तब एफ एक्स कहाँ कन्वर्स, एफ एक्स कहाँ टेंस हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पर। अगर एक्स टेंस टू ए तो एफ एक्स कहाँ, मतलब लिमिट मिल रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो इस टाइप से या तो एफ एक्स इन्फिनिटी पर जा रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी, या फिर एक्स अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी पर। तो इस टाइप से ये 8 डेफिनेशन है। तो आप इन ये सभी 8 डेफिनेशन की जो कंडीशन है वो आप ध्यान रखिए, और ये जो कंडीशन है उनमें कुछ सिमिलरिटी है तो वो आप अपने हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। मुझे तो ये मतलब याद हो गई है कि किसी भी फंक्शन के लिए कौन कौन सी क्या कंडीशन होती है। तो इनमें सिमिलरिटी भी है कि जो नेगेटिव हैं, मतलब एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो वहाँ पर एक्स इज लेस देन माइनस के हो गया है। अगर एफ एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है तो वहाँ पर एफ एक्स भी हो गया, एफ एक्स इज लेस देन माइनस के। तो जिनमें माइनस है वो लेस देन है, जिनमें ग्रेटर मतलब पॉजिटिव है प्लस इन्फिनिटी, वहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। तो इसी तरीके की कुछ सिमिलरिटी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने हिसाब से इनको, इन कंडीशन को कैसे ध्यान रखेंगे वो आप चूज करेंगे, ठीक है। तो आप इन सभी कंडीशन को ध्यान रखिए। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनके एग्जाम्पल को डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग शो करेंगे कि एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू किसी पर्टिकुलर नंबर पर एफ एक्स की लिमिट इन्फिनिटी होगी, या फिर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर एफ एक्स की लिमिट एल होगी, या फिर कोई और रियल नंबर होगा। तो इसी टाइप के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।